पटना में चल रहे बड़ी देश विरोधी गतिविधि का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में मशहूर फुलवारी शरीफ का नाम भी सामने आया। पटना के फुलवारी शरीफ में ही देश विरोधी PFI से जुड़े संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, नए नए एंगल भी इसमें सामने आ रहे हैं। यही नहीं, मामले के तार अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं। पटना पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके मोबाइल फोन की जांच के दौरान विवादित व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में पता चला है। फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत आने वाले ईसोपुर नहर के पास से मरगूव अहमद दानिश उर्फ ताहिर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ताहिर के मोबाइल फोन से देश विरोधी चीजें भी मिली हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का नाम सामने आया है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इसमें देश के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। इस ग्रुप का नाम गजवाए हिंद है। SSP पटना के मुताबिक ताहिर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से भी जुड़ा है। ताहिर उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है जिसका नाम गजवाए हिंद है। फैजान भी इस ग्रुप का एडमिन है। कई सारे पाकिस्तानी नंबर इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसका ग्रुप आइकन और मैसेज देश विरोधी, संप्रदाय विरोधी, भड़काऊ, आपत्तिजनक और गैर कानूनी है। इसमें भारत, पाकिस्तान और यमन के लोगों के मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए हैं। SSP पटना के मुताबिक ताहिर ने एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के नाम से बनाया था जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तान के लोगों का नंबर भी शामिल है। इसका भी ग्रुप आइकन और मैसेज आपत्तिजनक, राष्ट्र विरोधी और असंवैधानिक है। जांच के बाद ये भी साफ हुआ है कि इसके यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर भी उन्मादी और भड़काऊ भाषण और तस्वीरें अपलोड किए जाते रहे हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ स्क्रीनशॉट्स हमें भी मिले हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैं बांग्लादेश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो भारत के खिलाफ जंग में एक हों। एक दूसरे स्क्रीनशॉट में लिखा है कि इस ग्रुप में गजवाए हिंद और मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर जानकारियां मुहैया करवाई जा रही हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये कथित गजवाए हिंद है क्या। गजवाए हिंद इस्लामिक कट्टरपंथियों का एक ख्वाब है। ये ख्वाब 1300 साल पुराना है। 7वीं शताब्दी में भारत पर हमला करने वाले मोहम्मद बिन कासिम के दौर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। देश भर में इस्लाम फैलाने का ख्याल ही गजवाए हिंद है। इस्लामिक आक्रांताओं के हमलों के बाद भारत में धर्म परिवर्तन हुए। जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको मुसलमान बनाकर गजवाए हिंद लाया जाएगा। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के मुताबिक दुनिया दो भागों में भी विभाजित है। पहला हिस्सा दारुल इस्लाम कहा जाता है। इसमें वो देश आते हैं जहां मुस्लिम रहते हैं और मुस्लिमों का ही शासन है, जबकि दूसरा भाग वो है जिसे दारुल हर्ब कहा जाता है, जहां मुसलमान रहते तो हैं लेकिन शासन गैर मुसलमान करते हैं। इस्लामी सिद्धांत के मुताबिक भारत ही एक ऐसा दारुल हर्ब है जिसे दारुल इस्लाम करने की जरूरत है। टाइम्स नाउ नव भारत, डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।